मुख्यमंत्री 10 पास बालक या बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसमें सरकार आप सबको फर्स्ट डिवीजन करने वाले को 10,000 रुपया देती है, उसका ऑनलाइन का नोटिफिकेशन मिल चुका है। अप्लाई 2023 का ऑप्शन आ चुका है, तो कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और लास्ट डेट कब तक रहेगा, इसी के बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे मेधा सॉफ्ट और एंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑफिशियल साइट आ जाएगा, मेधा सॉफ्ट .bis.nic.in। चलिए इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने पर कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका 10 पास प्रोत्साहन योजना अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023 का लिंक एक्टिव हो चुका है। जब ये कल सुबह तक नहीं था, लेकिन कल शाम से ये शो कर रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना, ये इंटर वालों के लिए है, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। उसके बाद यहाँ बालक बालिका दोनों को मिलेगा जो 10 पास किए हैं। फर्स्ट डिवीज़न आपका होना चाहिए। अगर आप सेकेंड डिवीज़न किए तो आपको ये पैसा नहीं मिलने वाला है। तो अप्लाई कैसे किया जाता है, सबसे पहले यहाँ देखिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023 इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आएगा लिखा हुआ डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान आमजनों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं हेतु जानकारी के लिए यहाँ रजिस्टर करें। रजिस्टर करने पर ये डिजिटल सप्ताह जो मना रहा है उस पर आपको भाग लेना होगा। चलिए इसको हम स्किप करेंगे और नीचे देखेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री बालक बालिका 10 पास प्रोत्साहन योजना से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। चलिए इसके ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपके सामने पूरा गाइडलाइंस आ जाएगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई के दौरान आपके पास क्या क्या होना चाहिए। यहाँ इंग्लिश में दिया गया है हाउ टू अप्लाई और यहाँ हिंदी में दिया गया है आवेदन कैसे करें। सबसे पहले ये जो आप नोटिस देख रहे हैं इसको आपको पढ़ लेना चाहिए, इसको फॉलो करना ही होगा। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिसका भी आधार अपने बैंक खाता से सीधे DBT के लिए नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी आपको आधार कार्ड से आपका अगर अकाउंट लिंक किया हुआ नहीं है, तो आप अपने बैंक जाकर के आपको अपना आधार कार्ड से अकाउंट को सीडेड करना होगा। आधार लिंक और आधार सीडेड दोनों अलग चीज़ है। उसके बाद यहाँ अप्लाई कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, कब तक ये अप्लाई का डेट रहेगा, उन सब के बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। चलिए हम आपको हिंदी में पढ़ के सुनाएंगे। मैट्रिक 2023 स्कॉलरशिप पोर्टल जल्द ही खुलने वाला है। छात्र के पास रजिस्ट्रेशन नंबर, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जिले का नाम, कुल अंक, रोल नंबर, डिवीज़न, जन्म तिथि 10वीं के अनुसार, आधार विवरण, लिंग, श्रेणी, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पंजीकरण के लिए होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ दिया गया है 3 नंबर पे, यह पोर्टल वर्तमान में केवल BSEB 2023 मैट्रिक 10वीं पास के लिए खुला है। यानी बिहार बोर्ड से अगर आप 10 पास किए हैं तो उसके लिए ही खुला रहेगा, या वही अप्लाई इसमें कर सकता है। शिक्षा विभाग सरकार की मैट्रिक 2023 छात्रवृत्ति के विज्ञापन के अनुसार पास छात्रा बिहार के आवेदन करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ 5 नंबर में दिया गया है, एक छात्र छात्रा को यह छात्रवृत्ति केवल एक बार मिलेगी। आधार में नाम छात्रा या छात्र के नाम आवेदन के अनुसार के होना चाहिए। एक विशिष्ट मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए छात्र या परिवार के सदस्य का उपयोग किया जा सकता है। इसके आगे की चेतावनी के लिए सक्रिय करें। उसके बाद यहाँ पंजीकरण के लिए छात्र या छात्रा का परिवार के सदस्य की एक अद्वितीय ईमेल आईडी का उपयोग किया जा सकता है। इसके आगे की चेतावनी के लिए सक्रिय करें। उसके बाद यहाँ 9 नंबर पर दिया गया है, छात्र या छात्रा का नाम, पिता का नाम, कुल प्राप्त अंक, 10वीं के अनुसार जन्म तिथि, आधार विवरण, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आदि जैसे विवरण प्रदान करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक खाते का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बैंक वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। तब तक प्रतीक्षा करें और घबराएं नहीं,
यदि आपको 15 दिनों के भीतर यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिलता है तो गेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करके अपनी स्थिति या एसएमएस की जांच करें। बिहार सरकार 11 नंबर पे दिया गया है, यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें। अगर किसी स्टूडेंट का अगर 15 दिनों में यूज़र आईडी और पासवर्ड में नहीं भेजा जाए तो घबराए नहीं, वेरिफिकेशन होते ही जल्द भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ 12 नंबर पे दिया गया है, सुनिश्चित करें कि आपके सामने आवेदन की प्रतिविष्ट और आवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साइबर द्वारा की गई कोई भी त्रुटि या शरारत के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। 13 नंबर पे दिया गया है, फॉर्म को अंतिम रूप से पूरा करने के बाद आवेदन फॉर्म को पोर्टल पर जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म की एक प्रति प्रिंट करें। फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ नीचे कोई भी ऑप्शन और शो नहीं कर रहा है, जबकि वहाँ अप्लाई ऑनलाइन 2023 लिखा हुआ था। उसके बाद भी ये फॉर्म इसी तरह से खुलता है और इतना ही तक खुलता है। उसके बाद यहाँ अगर जैसे ही पूरा लिंक एक्टिव हो जाएगा तो आपको यहाँ नीचे टर्म दिया हुआ रहेगा, इन सबको एक्सेप्ट करके क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा। फिलहाल अभी ये ऑप्शन नहीं आया है, जैसे आएगा आपको हम एक वीडियो और बना करके दिखा देंगे कि अप्लाई किस तरह से किया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।